ड्राइवर को निकालो, उस बस को यहीं खाई से फेंक दो। याद है मेरे को अभी भी बस से मैं देखता था। तो ये है बनिहाल, वी आर एंटरिंग कश्मीर। क्या हो गया? हाँ, J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये कुछ तो है गवर्नमेंट का। इनकी पूरा ट्रैफिक ना रोका गया है यहाँ पे, पता नहीं क्या ट्रैफिक जाम हो रहा है या क्या हो रहा था। हमको अभी 10-15 मिनट रोका गया, फिर नीचे वालों को ऊपर बुलाया गया, ऊपर नीचे बुलाया गया, यही सब हो रहा था। नहीं, ये भाई लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, कोऑर्डिनेट तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी देख नज़ारे थे, इन पहाड़ों को देखो देखो, यही तो दिखाने आया है मैं भी अमरनाथ यात्री लोगों के लिए। ये देख रहे हो, ये सारे टेंट लगे हैं ना, ये खाने को यहाँ पे दे रहे हैं, सोने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, वॉशरूम दे रहे हैं, नहाने को दे रहे हैं। ये सारी सिक्योरिटी ना ये ऊनी के लिए ही है मेनली। और जहाँ जहाँ रुके हैं ना वो, वहाँ वहाँ भी 10-10, 15-15 मिलिट्री वाले, आर्मी वाले को दिया गया है कि उनकी सेफ्टी के लिए। दोस्तों देखो ये सामने, ये देखते हुए क्या आपको नींद आ रही है? आपको सोने की इच्छा हो रही है? लेकिन हमारा एक है WT क्रेज, पीछे बैठ के सो रहा है भाई साहब, पता नहीं क्या खा के आया है सवेरे। भिंडी की सब्जी थी, लौकी की सब्जी, रोटी अंडा खाया था, फिर भी ओ भाई साहब जाम देखो यहाँ से पूरा लगा हुआ है। जैसे हम लोग रुके थे, बाकी सब भी रुके हुए हैं। अभी ये अपन पहुँच गए रामबन। बाइक में जाने के फायदे देख लिए, अब यहाँ रुके ना तो ठोके समझ लो। बाइक है तो कैसे कैसे तैसे कर कर निकाल रहा हूँ, गाड़ी होती तो दिन भर फंसे रहना है। अबे साला नाला सूख गया। इतनी देर से बस ना हम चढ़े जा रहे हैं 10-15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया बस चढ़े जा रहे हैं। इतनी कम हाइट से इतना स्टीप आए हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। नीचे तो देखो भयंकर की खाई है, वो जो क्रेज ना अभी भी सो रहा है। हा? अभी देखना, पूछूंगा तो बोलेगा नहीं भैया, ये देखो आईने में देख लो, देख ले बे। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था तू? अभी रिकॉर्ड है वो, नहा ले बे, एक बार नींद भग जाएगी तेरी। ये भी क्या अलग लेवल के पहाड़ है यार। आ तो नहीं रहा कोई, नहीं आ रहा है। यहाँ से खड़े होकर दिखा देता हूँ मैं आपको। ओ भाई साहब, ये पूरी लैंडस्लाइड होती होगी, वहाँ से झरने आते होंगे। और नदी देखो कितनी सी बची है। याद है मेरे को अभी भी बस से मैं देखता था ऐसे, मतलब इतनी छोटी सी नदी दिखती थी। हम बस में सो जाते थे, फिर उठते थे, देखते थे अरे कहाँ आ गए। ये भी टनल का एक पार्ट तैयार होता हुआ, खूनी नाला पुलिस स्टेशन रामसो। इनके तो खतरनाक नाम रखे हैं भाई, ऐसा भी कोई रखता है खूनी नाला? ये देखो ब्लैक कमांडो, पागल हो जाते हैं ऐसे खड़े खड़े। ये अमरनाथ के उसके चक्कर में है भाई, यात्रा के चक्कर में। इधर पे देखो हमेशा ना ये लैंडस्लाइड हैवी, इसलिए यहाँ पे ये शेड टाइप का बना दिया है लोहे का, कि किसी गाड़ी वाले के ऊपर होके कुछ डैमेज ना हो, नुकसान ना हो किसी का। अरे यार ओ माय गॉड शिट, कुछ दिख ही नहीं रहा। ओहो पूरा वाइट हो जाएगा यार, टैंक बैग भी ढका नहीं है कवर में। गया आज तो मैं, पूरी भर जाएगी नाक मुंह कान में, आए है वाइट पाउडर निकल के, लगा के निकलेंगे मैं लेला क्रेज। कोई अच्छा रेस्टोरेंट टाइप का भी नहीं दिख रहा है यार, भूख लग रही है अब। लेकिन सब जगह इतनी धूप 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 है कि भाई क्या करें। मनी ढूंढते हैं अभी, देखते हैं कुछ मिल गया तो खाएंगे। बस ये पहाड़ से वो पहाड़ नाच रहे हैं, चढ़ा रहे उतार रहे हैं, चढ़ा रहे उतार रहे हैं। ये श्रीनगर कितनी दूर है भाई, तू बता दे यार। मुझे माउंटेन सिकनेस तो नहीं लग रहा, लेकिन अब सन स्ट्रोक टाइप का लग रहा है। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है ना, कि क्या ही बता दूँ यार, कुछ मिल भी नहीं रहा सही सा। नैरो रोड है यार भाई साहब यहाँ पे, और ट्रैवलर वाले तेज चलाए पड़े रहते हैं देख, क्योंकि वो रोज आते हैं। बस देख संभल के आओ चलो। इतने ऊपर कौन रहता है, कैसे जाते हैं, खाना कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है,
कुछ भी कहीं भी बना लेंगे सर। इतनी देर से चला रहे, बस करो यार, बस ब्रेक दे दो थोड़ा। 150 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से हुआ है, बड़ी बहुत ही मुश्किल से। अभी अपन पहुंच गए बनिहाल। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन का जो नाम है वो क्या है पता है? शेर बीबी। तो मतलब भाई साहब शेर बीबी कुछ भी नाम रख लेते हैं गांव वाले। ओए 411 लेके आए एक भाई सही। अभी जितने लोगों ने स्क्रैम लिए ना नहीं तो आए होंगे वो लोग सीधे। जल्दी थकते हैं जिनका कम स्टेमिना है ना, वो ना ही चलाएं यहाँ गाड़ी तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको हाथ पैर में खींचना है ना, भूख लग जाना, मूड स्विंग हो जाना, ये लोग ना ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अपनी तो जान लेंगे लेंगे, सामने वाले की भी ले लेंगे। लो भाई चेंज हो गया व्यू। तो पहले अभी थोड़ा रेस्ट ले लेंगे फिर जाएंगे, ढूंढते हैं कुछ। लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है, ढूंढ तो हम बहुत देर रुक गए भाई। कुछ तो मिला, रॉयल विष्णु पंजाबी ढाबा। तो खाके भी हो गया लेकिन बहुत जम भी चेत लग गई। पनीर की सब्जी मिली जो कि क्वार्टर बराबर थी, लेकिन उसको फुल बोल के 220 रुपये ले लिया गया। तो आप खाने से पहले कृपया करके पूछ लें कितने की है। शाही पनीर के नाम पे सिर्फ पनीर था और कुछ नहीं था, रोटी खाएं। तो ये है बनिहाल का स्कूल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सॉरी, और स्कूल भी यहीं कहीं था। बच्चे दिख रहे थे और कैमरा ऑन कर लो ना, तो बंद करने के लिए तक का यहाँ पे मौका नहीं मिलता, और बंद है तो ऑन करने का भी मौका नहीं मिलता, इतना ट्रैफिक है। अभी तो ये जम्मू कश्मीर ही है यार, जम्मू ही है मतलब, कश्मीर नहीं लगा। कब लगेगा? थोड़ा ठंडा होगा, ट्रैफिक तो मुश्किल ही है। यूपी 16 की गाड़ी है भाई, एक दिल्ली की है। ओए भाई ऊपर देखो क्या, पूरे बादल ही बादल है, साइड तो जाम ही जाम है भाई साहब। ओ भाई कुछ नहीं कर सकते, कह सकते। कौन सा रूट है भाई? ये वाला। देख पुलिस वाले हैं, दिल्ली के मिल गए हैं बंदे, तो उनके साथ निकल लेते हैं थोड़ा दूर तक का। ऊपर का मौसम तो कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, मैं तब से बोल रहा हूँ लेकिन नीचे नहीं हो रहा। तो ज़रा जैसे जैसे श्रीनगर के पास जाते जाएंगे और मौसम ख़राब होता जाए तब हो जाएंगी कहानी। रोड बहुत मस्त है, ऐसे श्रीनगर तक बन गई हो तो क्या ही बात है। ओ तेरी। ओके सो वी आर एंटरिंग द सेकेंड टनल। अभी जो मैं बोल रहा था वो कन्फर्म हो गया है, और जवाहर टनल जो थी वो ख़त्म हो गई है, और ये आ गई है अपनी बनिहाल काजीकुंड टनल। तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगी। तो लिमिट है यहाँ पे 50, मैं बस उनको चेस कर रहा हूँ भाई। ये है करीबन 8.5 किलोमीटर की, और ये बहुत कूल है, ये उसके जैसे चनानी के जैसे नहीं है, नई बनी है ये, और अटल टनल के बाद उद्घाटन हुआ है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त। यू ऑल डोंट बिलीव इट, इट इज इंडिया भाई, ये ही इंडिया है, ये नया इंडिया है, इनक्रेडिबल इंडिया है। मतलब इतने सालों से जो जवाहर टनल चल रही थी उसको ख़त्म करके यहाँ पे अब इसे बना दिया गया है। टेम्परेचर इज सो लो, आई फील वेरी कोल्ड। होपफुली उस तरफ तो बहुत ही कोल्ड होने वाला है, क्योंकि कश्मीर में जाते साथ बहुत कोल्ड हो जाता है। चिनानी और इसमें डिफरेंस यही है कि ये सेपरेट टनल है, और जो चिनानी है उसी के अंदर दोनों लेन थी। अभी ये लेकिन बहुत बवाल चीज़ बनाई है भाई। भाई मैं तो टेंटेड वाइजर लगा के चल रहा था, मेरे को लगा था कि बहुत स्मूडी यहाँ का है, मतलब क्या बोलना चाहिए, कलर है और बहुत डिम लाइट है, लेकिन नो आई एम रॉन्ग, इट इज़ टू ब्राइट कि सब कुछ दिखता है। यहाँ पे हेडलाइट चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर का जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो बहुत भयंकर का है, मतलब एकदम एरोडायनामिक टाइप का बनाया है। और वी आर अप्रोचिंग कश्मीर इन जस्ट 3, 2, 1 एंड वी गो, वी आर एंटरिंग इन कश्मीर। ओके क्या हो गया? हाँ आपको
क्या हुआ क्या? समझ में नहीं आया कुछ। अभी जब एग्जिट करे तो वहाँ पे लोगों ने, यहाँ के जो जो भी दूसरे एंड पे थे उन लोगों ने बोले कि आप वापस जाइए, वहाँ से आपको सिक्योरिटी लेके आएगी पता नहीं काहे के लिए। एंड लुक एट दिस टनल, ये उसके पैरेलल ही है जम्मू जाने वाली, और यहाँ पे इतना फ्यूम्स है, इतना डस्ट है, इतना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये देखिए ट्रक्स वगैरह का सब कुछ, बाप रे, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे तो। लाइट मार के भी नहीं दिख रहा है, सामने वाला बंदा नहीं दिख रहा मेरा। सोचो इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन है, इसका लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। भी हुआ क्या है हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बाहर जाके ही पता चलेगा। पूरा 8 किलोमीटर हमें फिर से राउंड लगाना पड़ रहा है। बाद में तो यही बातें याद आएंगी भाई। क्या बातें याद यही आएंगी, 9 किलोमीटर गए, मस्त वो फुटेज बना है भाई। कोई नहीं था उस टनल में, हम तीन थे बस, तीन भाई थे, एक वो छपरी था बस। मेरे को लगा कि हमने ओवर स्पीड किया, हमको भूल गए। नहीं थे आप, नहीं थे, आप पहले पहले ही आ गए थे। हम लोग तीनों गए, एक छपरी है, मेरे को लगा भाई ओवर स्पीडिंग पे गए। फिर आप हमसे ये बुलवा लीजिए, हम वहाँ पे आपको मिले थे। फिर मेरे को लगा कि भाई ये लोग रुक गए, जैसे अटल टनल में रुकते हैं ना फोटो वोटो खिंचाने के लिए, इसलिए रुक गए। फिर बोले इधर उधर इधर, भाई कुछ समझ ही में नहीं आया यार। फिर हो गया हो गया। पाजी देखो, पाजी देखो, मैं बोल रहा हूं ऐसी बेहतरीन बोल रहा हूं भाई। देखो पहले दिन इन्होंने करा था ठीक है, यार पहले तू गल खत्म कर लड़ लो। देखो आगे ठीक करा था मोटरसाइकिल, ओदन बगे चलिया, अगले दिन सवेरे उठे फिर वही हाल, फिर डेड। चलो वो भी वो भी ठीक करा था उस दिन, अगले दिन सवेरे निकल गया। अज 100 किलोमीटर टपे होने, टायर बह गया थोड़ा जहा। कल रात जब पेट्रोल पाना तो मैं क्या महीने का 40-40 हवा भरा ला, नहीं मैं 35-32 भरानी थी भाजी। पिछे समान नहीं लगना वा, सियाले बंदे कहते ने यार। मैं कह रहा तू बोल रहे, मैं बोलता बिच नहीं बोल रहा, टपी नहीं सियाले बंदे ने बोलना पर मन नहीं लगता। बेसर असी आ गए पठानकोट पहुँच गए, 100 किलोमीटर चले पूरे, तो टायर फ्लैट हो गए। चलो असी क्या चलो ट्यूब देख लें, पेंचर लवा लें, पेंचर लवाया। वो कहता भाजी ट्यूब ना यार दसो, मैं दस रहा ये अपनी सभी गई है ये भाजी, असी ना ट्यूब पाली बिच ठीक है। फिर 10 किलोमीटर तुरे, फिर बह गया। फिर असी क्या चलो भाजी इन्ना वाल ना, देखो मैं तुहानू सियाने बंदे सलाह दस रही हूँ। फिर सियाने बंदे ने कहा चल पैर नवा पा लो, पहले सियाने बंदे ने कहा कि ट्यूब पवा लो। ओके तो ये ब्लॉग को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली इन्जॉय दिस ब्लॉग, उतना कुछ ज़्यादा नहीं था, मूड ऑफ हो गया सबका, आगे जाने को मिला नहीं है। कल का ब्लॉग रहेगा कुछ धांसू, अभी सो जाते हैं, बरैया यहाँ पे काटी थी और हो गई दिक्कत, अभी सोच रहा है शाम तक का तो सही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।